प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बेतिहाता स्थित चंद्रलोक कुष्ठ आश्रम में पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर ईश्वर से उनके स्वस्थ और उज्जवल जीवन की कामना करते हुए उन्हीं के नेतृत्व में भारत दुनिया की महाशक्ति बनने के क्षेत्र में अग्रसर है। उनके नेतृत्व में पूरा देश जिस तीव्रता के साथ विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, हम लोगों ने तय किया है कि प्रदेश के अंदर जितने कुष्ठ रोगी से पीड़ित हैं, जिनके पास अपना आवास नहीं है, उनको प्राथमिकता के आधार पर आवास दिया जाएगा। पेंशन की व्यवस्था पहले से ही उनको दिया जा रहा है। शासन से मिलने वाली सभी सुविधाओं को उनके लिए उपलब्ध कराया जाएगा। अटल कावंजलि के रूप में सेवा सप्ताह शुरू हुआ है। 17 सितंबर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म उत्सव 25 सितंबर तक सेवा सप्ताह चलेगा। सेवा सप्ताह के माध्यम से मलिन बस्तियों में मेडिकल कैंप सहित विभिन्न प्रकार की सेवाएं दी जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला महिला चिकित्सालय में 12 बेड के PICU जिसमें इंसेफ्लाइटिस, बैक्टर बार्न डिजीज से जुड़ी हुई बीमारियों से इलाज हो सकेगा और नवजात शिशुओं के बेहतर स्वस्थ और उपचार के लिए 20 बेड के SNCU जिला चिकित्सालय के न्यू बिल्डिंग में बने PICU का निरीक्षण किया। न्यू बिल्डिंग में बने इंसेफ्लाइटिस वार्ड में मुख्यमंत्री मरीजों से मिले और उनका हाल जाना। बीते दिनों मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर और मरीजों के बीच हुए मारपीट में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। चिकित्सा और सेवा का बेहतर तालमेल होना चाहिए। हमें अपनी सेवाओं के माध्यम से लोगों के बीच में अपनी एक पहचान बनानी चाहिए और चिकित्सा को सेवा के साथ जोड़ के मानवता के साथ सेवा के बेहतर उदाहरण पेश करना चाहिए। उस पर विशेष फोकस करने की आवश्यकता है। गोरखपुर न्यूज़ संवाददाता से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, यह चंद्रलोक कुष्ठ आश्रम है। यहाँ पर विगत कई वर्षों से यहाँ के बच्चों की देखभाल और उनकी पढ़ाई की व्यवस्था गोरखपीठ के अंतर्गत संचालित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की एक संस्था करती है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, तो जन्मदिन के अवसर पर ईश्वर से प्रधानमंत्री जी के स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करते हुए उनके नेतृत्व में भारत दुनिया की महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। उनके नेतृत्व में पूरा देश जिस तीव्रता के साथ विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, ईश्वर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करते हुए इन लोगों के बीच में मिष्ठान वितरण और जो बच्चे यहाँ पर पढ़ते थे पिछले 1.5 वर्ष से मैं भी समय नहीं निकाल पाया था इनके बीच में आने के लिए, इसलिए उनके बीच में आकर के कि वो क्या जान रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ये सब देखने के लिए यहाँ पर आए थे। हम लोगों ने तय किया है कि प्रदेश के अंदर जितने भी कुष्ठ रोगी परिवार हैं जिनके पास अपना आवास नहीं है, प्राथमिकता के आधार पर उन्हें हम एक एक आवास उपलब्ध करवाएंगे। उन्हें पेंशन की सुविधा पहले से उपलब्ध है, उनको हम अन्य शासन से स्वीकृत सभी प्रकार की योजनाओं का लाभ उन्हें उपलब्ध करवाएंगे। इन बच्चों की देखभाल जो कि गोरखपीठ के अंतर्गत संचालित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की एक संस्था पहले से ही करती है, तो उसमें कोई समस्या नहीं, लेकिन सारी अन्य सुविधाओं को भी प्रदान करने के से आज यहाँ पर मेरा आगमन हुआ है। आज प्रातःकालीन सत्र में भी हम लोगों ने गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और महिला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाकर के वहाँ पर PICU डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बना है 12 बेड का नया PICU बनने के बाद इंसेफ्लाइटिस और बैक्टर बॉर्न डिजीज से जुड़ी हुई जितने भी मरीज हैं उनको बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा वहाँ मिल पा रही है। और SNCU जो नवजात शिशु प्री मेच्योर और अंडरवेट बच्चे होते हैं उन बच्चों के लिए यहाँ पर वो सुविधा नहीं थी, 20 बेड का महिला हॉस्पिटल में भी उसको बना करके उस पर अच्छे ढंग से फंक्शन करना शुरू किया, उसका भी निरीक्षण किया गया। जो मरीज थे उनको वहाँ पर फल वितरण का कार्य किया गया, वहाँ के सामान्य निरीक्षण का कार्यक्रम भी हुआ है। मुझे विश्वास है कि आज से सेवा सप्ताह शुरू हो रहा है अटल कार्यांजलि के रूप में प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से लेकर के और अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन 25 सितंबर तक। इस कार्यक्रम में मेडिकल कैंप, मलिन बस्तियों में विभिन्न प्रकार के सेवा के अन्य कार्यक्रम
ये निरंतर आगे बढ़ेंगे इन कार्यक्रमों को लेकर के हम आगे चलेंगे। महाराज मेडिकल कॉलेज में लगातार दीवानदारों से मारपीट की जा रही है, जूनियर डॉक्टर। देखिए अनुशासनहीनता किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं होगी। चिकित्सा एक सेवा का बेहतर तालमेल होना चाहिए। हमें अपनी सेवाओं के माध्यम से लोगों के बीच में अपनी एक पहचान बनानी चाहिए और चिकित्सा को सेवा के साथ जोड़ करके मानवता की सेवा का जो बेहतर उदाहरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए उस पर विशेष फोकस करने की आवश्यकता है।